शिवपाल सिंह यादव के अधिकारियों को धमकी देने वाले बयान पर निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि धमकी देना एसपी का मूल चरित्र है, लेकिन लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता है। चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की बेटी भी ऐसे ही धमकी दे रहे थे, नतीजा सबके सामने है। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसी तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग मुख्तार अंसारी के पुत्र भी चुनाव से पहले कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है। बाराबंकी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां थूक कर रोटी में बनाए जाने की खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने ढाबे में रोटी बनाने वाले मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। खाद्य विभाग ने ढाबे को सील कर दिया। रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुधी मऊ कस्बे के हाफिज होटल का ये वीडियो सामने आया था। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर सदरपुर गांव में बीते 5 दिनों से सांप का खौफ देखने को मिल रहा है। सांप के खौफ के चलते लोग दहशत में हैं। बीते 5 दिनों में सांप ने 5 लोगों को डस लिया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की सांप के डसने से मौत हो गई। सोमवार की रात को सांप ने पति को डसा और कल रात सांप ने उसकी पत्नी को भी डस लिया। महिला को समय रहते अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसकी जान बच गई। महिला के पति का कहना है कि जब तक सांप नहीं आता, तब तक वो अपने परिवार को अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर भेज रहा है। वन विभाग ने गांव से एक सांप जरूर पकड़ा है, लेकिन जो सांप लोगों को डस रहा है वो अभी तक वन विभाग की पकड़ में नहीं आया। तब मेरे काट लिया जैसे अपना, आज रात मेरे घर वाले से अपना काट लिया। बच्चे और पूरा मोहल्ला सदमे में ज्यादा है, इसलिए मैं तो अपने बच्चों को अपनी बहन या अपने ससुराल भेजूंगा जरूर। बच्चे सो ही ना रहे, परेशान बहुत ज्यादा, डर रहे हैं। अच्छा, सांप तो कल पकड़ा था का नाम है वन विभाग टीम ने? वो दूसरा सांप था जी। अच्छा, वो तो बहुत छोटा सांप है जो उनसे मेरा गल में काटा, घरवाली के गल में। बागपत में पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ा करता था। फर्जी दरोगा यश मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोप के मुताबिक उसने पीआरडी में नौकरी दिलवाने के नाम पर 50,000 रुपये की ठगी की थी। बताया जा रहा है कि वो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पुलिस मामला दर्ज कर पड़ताल कर रही है। पकड़ा गया आरोपी बड़ा शातिर किस्म का अपराधी है, जो वर्दी पहनकर ठगी किया करता था। कितनी बार एक यूपी पुलिस का फर्जी दरोगा बनकर लोगों को ठगी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान यश पुत्र करण सिंह निवासी बहुरा कला मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। थाना रमाला पर इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके पास से एक मोबाइल फोन और 10,000 रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध